डी किसान बदलते भारत की शान। डी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। दूरदर्शन किसान की तरफ से सभी देशवासियों को महात्मा गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा, स्वागत करती हूं आप सभी का मंडी खबर में। बता दें, अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताने वाले हैं कि इस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे तिल, अरंडी, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली और बागवानी फसलों की। इसके अलावा भी बता दें कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। देश से बढ़ा लहसुन का निर्यात, 73,000 टन के पार पहुंचा लहसुन निर्यात। खरीफ मूंगफली की बुआई में हुआ इजाफा, निर्यात 1,00,000 टन के पार। बीते साल से ज्यादा हुई खरीफ सूरजमुखी की बुआई, खरीफ सूरजमुखी की एमएसपी में हुआ 520 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा। आइए सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लहसुन के साथ। बता दें, लहसुन के निर्यात में इस साल अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। विदेशी बाजार में भारतीय लहसुन की जो मांग है साल दर साल बढ़ती जा रही है। घरेलू मंडियों में लहसुन के क्या बाजार भाव है और आगे आने वाले समय में लहसुन का जो निर्यात है वो किस ओर जाता दिख सकता है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए हमारे साथ आजादपुर मंडी से मौजूद है कमोडिटी एक्सपर्ट जितेंद्र खुराना जी। क्या कहना है उनका, दिखाते हैं। लहसुन की जो बुआई है अगले साल के लिए कितनी कहनी चाहिए? अगर जिस हिसाब से इस साल हमारे लहसुन में पैदा हुई उस हिसाब को देखते हुए हमारे को आधी बुआई कहनी चाहिए, क्योंकि इस साल हर कोई चाह रहे कि हम लहसुन लगाएं। हर किसान जिसने नहीं लगाया वो भी चाह रहे कि लहसुन लगाएं, तो अगला साल उम्मीद है 3 गुना बुआई होने के चांसेस लग रहे हैं, जिससे फिर लहसुन घूम के वही 20-30 रुपये पे आएगा। अगर हमने बुआई कहते टाइम थोड़ा संभल के बुआई नहीं की, तो थोड़ा सा देख के संभल के पूरी नॉलेज लेके हर राज्य में एक दूसरे से सलाह लेके फिर बुआई करें। अगर हम लहसुन को जैसे किसी ने 5 एकड़ लगाया था तो वो इस साल 2.5 एकड़ लगाए, क्योंकि जिन्होंने नहीं लगाया वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा अगर हम हिसाब से लहसुन की बुआई करेंगे तो अगला साल भी थोड़ा ठीक रहेगा, नहीं तो फिर दोबारा घूम के लहसुन 20-30 रुपये पे आ जाएगा। अगर हम तरीके से लगाते हैं तो फिर लहसुन दोबारा 30 से लेके 70-80 तक रहने की अगला साल उम्मीद है। तो जाना हमने लहसुन के बारे में, इसके निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है जिसका फायदा सीधे तौर पर हमारे किसानों को मिल सकता है। लहसुन की बात हो गई, आइए बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में। अब बात करते हैं मूंगफली की। बता दें कि देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में 1,00,000 टन तक की बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, ये 1,00,000 टन के पार पहुंच गया है। बात करते हैं इसकी बुआई की, तो चालू खरीफ सीजन में अब तक मूंगफली की जो बुआई है 47,00,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। मूंगफली के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। इस साल खरीफ मूंगफली की बुआई में इजाफा देखने को मिला है। 17 सितंबर को कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों की बुआई के ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ मूंगफली की बुआई 47,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ मूंगफली 43,75,000 हेक्टेयर में बोई गई थी। वहीं निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल से मई के महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 1,12,616 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,22,500 टन का हुआ था। यानी बीते 2 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में तकरीबन 9,000 टन की कमी देखने को मिली है। मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है।
कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86,54,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102,97,000 टन रही थी, यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16,43,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंगफली भी शामिल है। मूंगफली की MSP साल 2023-24 के दौरान 6,377 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 406 रुपए बढ़ाकर 6,783 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो अभी आपने देखा मूंगफली के बाजार का हाल। सबसे पहले इसके निर्यात की बात करते हैं, तो 1,00,000 टन के पार पहुंच गया है इसका निर्यात। हालांकि अगर हम बीते साल के मुकाबले बात करते हैं तो आंकड़े थोड़े कम दर्शा रहे हैं, लेकिन इसमें अच्छी खासी हमें स्थिति देखने को मिल रही है, जिसका फायदा हमारे किसानों को यहाँ पर मिल सकता है। निर्यात से एक सपोर्ट मिल देगा, क्योंकि धीरे धीरे इसमें मजबूती ही हो रही है। साथ ही अगर हम बात करते हैं पैदावार की, तो हमने देखा है कि इसमें कमी का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर बेशक पड़ेगा ही, और इसका जो बाजार भाव है वो प्रभावित होगा। जब आवक में कमी आएगी और मांग बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं इसके जो बाजार भाव है उसमें मजबूती हमें देखने को मिलेगी। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं। धीरे धीरे मंडियों का आप रुख कीजिए, और साथ ही साथ मंडियों में निगरानी भी बनाकर चलिए। यहां पर जहां आपको अच्छे दाम नजर आते हैं, आप बिकवाली करेंगे तो निश्चित तौर पर मुनाफा वसूली कर पाएंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे करके ही अपने स्टॉक को बाजार में लेकर जाना है। बात हो गई मूंगफली के बाजार की। इसके साथ बता दें, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी तिल, सूरजमुखी और सोयाबीन की। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए मंडी खबर। सच बोलने वाला सच्चा इंसान, सब पे माया करने वाला, सबको माफ करने वाला, इसी तरह मुझे जाने एक अच्छा इंसान। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे तिल और सोयाबीन के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं सूरजमुखी के बाजार की। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों की MSP में इजाफा किया है, जिसमें सूरजमुखी भी शामिल है। साल 2024-25 की बात करते हैं तो इस दौरान सूरजमुखी की जो MSP है 520 रुपए बढ़ाकर 7,280 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। किस तरह से हो रहा है सोयाबीन के बाजार में कारोबार, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। इस साल खरीफ सूरजमुखी की बुआई में बढ़त देखने को मिली है। चालू खरीफ सीजन में सूरजमुखी की बुआई बीते साल के मुकाबले 2000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की बुआई 75,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2023 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की खेती महज 73,000 हेक्टेयर में हुई थी। बात पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है, और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ दो ही मौसम को शामिल किया गया है, जो हैं खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ सूरजमुखी की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की पैदावार 66,000 टन होने का अनुमान है, जबकि रबी सूरजमुखी की उपज साल 2023-24 में 1,01,000 टन हो सकती है, यानी साल 2023-24 के दौरान कुल सूरजमुखी की पैदावार 1,67,000 टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले कम है।
बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी के बीज का MSP साल 2023-24 के दौरान 6,760 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 520 रुपए बढ़ाकर 7,280 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो सूरजमुखी के बाजार का हाल अभी हमने जाना है कि किस तरह से यहाँ पर परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। हम बात करते हैं MSP की, तो 520 रुपए प्रति क्विंटल इसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसका हमारे किसानों को बहुत ही ज़्यादा सहारा मिलेगा। जी हाँ, अगर MSP में बढ़ोतरी होगी तो अच्छे दाम हमारे किसानों को मिल पाएंगे यहाँ पर। तो ये हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमारी सरकार का सकारात्मक कदम है हमारे किसानों को और मजबूती प्रदान करने के लिए। साथ ही अगर हम बात करते हैं इसके बुआई के रकबे की, जब हमारे किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं तो ऐसे में उनका रुझान भी बढ़ रहा है सूरजमुखी की बुआई के लिए। तो वही आंकड़े भी दर्शा रहे हैं कि 75,000 हेक्टेयर में इसकी बुआई इस बार दर्ज की गई है। तो ऐसे में आगे आने वाले समय की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो इसके बाजार भाव है वो अच्छे यहां पर बने रहेंगे और हमारे किसानों को इसका लाभ मिलता रहेगा। और सरकार भी MSP में बढ़ोतरी करके हमारे किसानों का यहां पर मनोबल बढ़ा रही है, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास भी कर रही है। सो अब यहां पर हमने बात कर ली सूरजमुखी की, अब बुलेटिन में हम बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। और बता दें आपको कि चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की जो बुआई है उसमें इजाफा देखने को मिला है। जी हां, बुआई का जो रकबा है इस बार बढ़ा है सोयाबीन का। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर को खरीफ बुआई को लेकर जो ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ सोयाबीन की बुआई 125,11,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि हम बीते साल की समान अवधि की बात करें तो इस दौरान खरीफ सोयाबीन 123,85,000 हेक्टेयर में बोया गया था। तो आंकड़े आप देख सकते हैं, साफ तौर पर यही दर्शा रहे हैं कि इस बार इसकी जो बुआई है वो अच्छे स्तर पर हुई है। बता दें आपको कि विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है और सरकार के इस फैसले से किसान को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही साथ उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। जी हां, आपको बता दें कि पीली सोयाबीन का जो MSP है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। अगर हम बात करते हैं 2023-24 की तो इस दौरान इसका जो MSP है 4,600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसको 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो देख सकते हैं आप यहां पर 292 रुपए की अच्छी खासी बढ़ोतरी की है सरकार ने MSP में, जिसका सहारा हमारे किसानों को मिलेगा और उनकी आय में भी निश्चित तौर पर यहां पर वृद्धि होगी। साथ ही आपको जानकारी दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया था, जिसे अब तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल है। बात करते हैं हम कुल सोयाबीन की पैदावार की, तो साल 2023-24 के दौरान सोयाबीन की जो पैदावार है 130.54 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। देख सकते हैं आप 130.54 लाख टन मीट्रिक टन यहां पर इसका जो अनुमान है जताया जा रहा है पैदावार को लेकर। तो पैदावार आपने जानी 130.54 लाख टन मीट्रिक टन यहाँ पर हो सकती है इसकी पैदावार। साथ ही साथ अगर हम सरकार के सकारात्मक कदम की बात करें, यानी कि MSP में बढ़ोतरी की बात करें, तो इसका तो सहारा हमारे किसानों को मिल ही रहा है। 292 रुपए प्रति क्विंटल इसकी MSP में बढ़ोतरी की गई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सोयाबीन को एक सहारा मिलेगा, हमारे किसानों को सहारा मिलेगा, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि हो सकती है। और आपको बता दें बुआई का जो रकबा है वो तो बढ़ ही रहा है, जिसके चलते आगे आने समय में कहीं ना कहीं इसके बाजार भाव प्रभावित हो सकते हैं। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं हाल फिलहाल में मंडियों का रुख कर सकते हैं, मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। जिस भी मंडी में आपको अच्छे दाम नजर आ रहे हैं वहां पर आप बिकवाली कीजिए और मुनाफा वसूली आप कर सकते हैं। यहां पर सोयाबीन की तो हमने बात कर ली, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में हम जानते हैं तिल के बाजार के बारे में।
बता दें आपको, घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ तिल की बुआई कुछ पिछड़ी है। जी हाँ, कृषि मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ तिल की जो बुआई है 11,19,000 हेक्टेयर में हुई है। जबकि हम बात करते हैं बीते साल की, तो इस दौरान खरीफ तिल की जो बुआई है 12,06,000 हेक्टेयर में हुई है। खास तौर पर हम यहाँ पर बात करते हैं राम तिल की, तो इसकी बुआई में भी इस बार कुछ कमी देखने को मिली है। जी हम कह सकते हैं कि इसकी बुआई भी इस बार कुछ पिछड़ी है। 17 सितंबर तक राम तिल की बुआई 67,000 हेक्टेयर में ही हो सकी है, जबकि हम बीते साल की बात करें तो इस दौरान राम तिल की जो खेती है 70,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर यही दर्शा रहे हैं आंकड़े कि इस बार बुआई का रकबा घटा है। हम यहाँ पर राम तिल की बुआई की बात कर रहे हैं। साथ ही आपको जानकारी दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ दो ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ तिल की उपज पर अगर हम नजर डालते हैं तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिल की पैदावार 3,96,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जी हाँ, अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान खरीफ तिल की जो उपज है 3,92,000 टन रही थी। और वहीं अगर हम रबी तिल का जिक्र करें तो 2023-24 में 33,000 टन इसकी जो पैदावार है वो हो सकती है, जो कि बीते साल से ज्यादा है। जी हाँ, रबी और खरीफ तिल की उपज का असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है और सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में तिल भी शामिल है। तिल का जो MSP है साल 2023-24 में 8,635 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसको बढ़ा दिया गया है, जिसमें अच्छी खासी यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। बता दें आपको 632 रुपए की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है 2024-25 के दौरान, 632 रुपए से बढ़ाकर 9,267 रुपए प्रति क्विंटल इसकी MSP तय की गई है। तो देखा आपने, तिल की MSP में भी 632 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की गई है, जिससे हमारे किसानों को अपनी फसलों का उचित दाम तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उनकी आय में भी वृद्धि होगी। वहीं हमने यहाँ पर इसकी पैदावार की जानकारी भी हासिल की है। पैदावार की अगर हम बात करें, रबी तिल की बात करें चाहे खरीफ तिल की बात करें, दोनों में ही बढ़ोतरी नजर आ रही है। हमारी सरकार का जो अग्रिम अनुमान जारी किया गया है उसके अनुसार यही दर्शा रहे हैं आंकड़े कि इनमें बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर बुआई के रकबे की बात करते हैं, बुआई के रकबे का जिक्र करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। हमारे किसानों ने बुआई अभी बीते साल के मुकाबले कुछ कम की है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में इसके बाजार में इसका असर देखने को मिल सकता है। तो हमारे किसानों को हमारी लगातार यही सलाह रहती है कि जब भी आप मंडियों का रुख करने वाले हो, उससे पहले आप मंडियों में निगरानी बनाकर चलें। जिस भी क्षेत्र में आपको अच्छे दाम नजर आ रहे हैं वहीं आप बिकवाली करके चलेंगे तो आपको तो अच्छे दाम मिल पाएंगे और अपनी मेहनत का अच्छा फल भी आपको अर्जित हो पाएगा। और इसके लिए हमारी सरकार ने आपकी सहूलियत के लिए एक ऐप भी तैयार की है, जिसे हम ईनाम ऐप कहते हैं। डीडी किसान तो समय समय पर आपके लिए जानकारी लाता ही रहता है जिनसों के बाजार के बारे में, उनके बाजार भाव के बारे में, लेकिन हमारी सरकार ने घर बैठे बैठे ही एक और सुविधा आपके लिए तैयार की है, जो है ईनाम एप्लीकेशन। बस आपको मोबाइल फोन में उस ईनाम ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना है और जितनी भी लिस्टेड मंडियां
कंपनियां हैं उनका पूरा ब्यौरा आप जान सकते हैं। उसमें जितनी भी लिस्टेड जिंस हैं उनके बाजार भाव की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं और खरीदारी के साथ साथ आप उसमें बिकवाली भी कर सकते हैं। तो एक छोटी सी पहले हमारी सरकार की हम उम्मीद करते हैं कि इसका आप लाभ ज़रूर ले रहे होंगे या फिर अगर अभी तक नहीं लिया है तो इसमें रजिस्ट्रेशन करवा के ज़रूर इसका लाभ लेंगे भी। तो लगातार हम तो जानकारी देते ही रहते हैं और सरकार की जो भी ये अहम कदम है उनकी जानकारी भी आप तक पहुँचाते रहते हैं। और हम आपको बता दें कि आप अलग अलग जिंसों के बाज़ार के हाल के बारे में तो जान ही रहे हैं, लेकिन अभी हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे हम अरंडी और बागवानी फसलों के हाल को भी आपको बताएंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। मंजिलों पे हमारी नजर, समझे ना कोई हमें बेखबर, आसान हो या के मुश्किल डगर, रुकना नहीं जानती ये उम्र, जारी है जोश जुनू का सफर, क्या हुआ आज मुश्किल में घर, अपना सितारा है यही यही है, कल हमारा है, कल हमारा है, कल हमारा है। सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं अरंडी की। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक जानकारी दें आपको कि साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी की पैदावार 18.79 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19.80 लाख टन रही थी। यानी कि इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 1.01 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साथ ही आपको जानकारी दें कि इस साल खरीफ अरंडी की बुआई में कमी देखने को मिली है। जी हां, 17 सितंबर को कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों की बुआई के ताजा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक जानकारी दें आपको कि साल 2024 के दौरान खरीफ अरंडी की जो बुआई है 7,67,000 हेक्टेयर में ही हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ अरंडी की खेती 9,23,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो जाना आपने कि बुआई के रकबे में कमी देखने को मिल रही है यहाँ पर, यानी कि कम यहाँ पर बुआई हुई है। ऐसे में आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं अरंडी के बाजार भी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर हम इसके पैदावार की बात करते हैं तो उसके आंकड़े भी अभी आपने देखे हैं कि उसमें भी अच्छी खासी यहाँ पर हमने कमी देखी है। जी हाँ, इस बार बीते साल के मुकाबले इसकी पैदावार में भी कुछ कमी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं लगातार हम आपको बता रहे हैं कि प्रभावित हो सकते हैं इसके बाजार भाव। तो हमारे जो किसान हैं वो थोड़ा सा इंतज़ार करके चल सकते हैं, आगे आने वाले समय में जब मांग बढ़ेगी तो उसका असर देखने को मिलेगा बाजार भाव पर। तो ऐसे में थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो हमारे जो किसान हैं वो मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं और धीरे धीरे अपने स्टॉक को निकाल कर चल सकते हैं। ऐसे आप अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहां पर जरूर कर पाएंगे। आइए अब आखिर में बात करते हैं बागवानी फसलों की। जानकारी दें आपको 21 सितंबर को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में कुल बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जो साल 2022-23 के अंतिम अग्रिम अनुमान की तुलना में लगभग 22.94 लाख टन कम है। अब हम बात करते हैं यहां पर प्याज की पैदावार की। तो जानकारी दें आपको साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार में
जो है 2042.44 लाख टन होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्याज की पैदावार जो है अच्छी खासी बनी हुई है। वहीं हम आलू की उपज की बात करते हैं तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570.49 लाख टन होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में आई कमी का दर्ज होना है। वहीं अब बात करते हैं टमाटर की, तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी किए गए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है। जबकि पिछले साल की हम बात करते हैं तो इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन रही थी, यानी कि इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर आगे आने वाले समय में टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो आपने बागवानी फसलों के यहाँ पर आंकड़ों की जानकारी हासिल की है, पैदावार के बारे में जाना है। अगर हम कुल बागवानी फसलों की हम बात करते हैं पैदावार की, तो उसमें कमी देखने को मिल रही है पिछले साल के मुकाबले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में इनके जो बाजार भाव हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं, जहाँ अच्छे दाम मिलते हैं आप यहाँ पर बिकवाली करके चलें और मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो यहाँ आपने अलग अलग जिनसों के बाजार का हाल जाना कि किस तरह के माहौल बना हुआ है, पैदावार की स्थिति क्या है, बुआई के रकबे में या बढ़ोतरी हुई है या फिर कमी आई है। इसी के साथ बता दें आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप देश की अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।